हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म एक्सप्रेस राजा का, जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि एक्सप्रेस राजा के ही नाम से डब किया गया है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है मेरल पक्का गांधी ने। फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे सर्वानंद और सुरभि। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो हरीश उथामन, सप्तगिरी, प्रभास श्रीनू, उर्वशी और नागी नीडू। एक्सप्रेस राजा फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म के स्टार्टिंग में ही आपको एक किडनैप सीन दिखाया जाएगा और उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाएगी, जहां पे राजा जिसका रोल प्ले करते नजर आएंगे सर्वानंद, जो अपने एक ऑनेस्ट फादर का, जो काफी सोशल सर्विस करते हैं, उनका एक लापरवाह बेटा है। राजा हमेशा अपने कजिन सीनू, जिसका रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रभास श्रीनू, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और ये दोनों मिलकर हमेशा दारू पीते रहते हैं और वैसे ही मटर गस्ती करते रहते हैं। और इन सभी चीजों की वजह से राजा कई बार अपने पिता से कई बातें सुन चुका है, काफी इंसल्ट करवा चुका है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ गलतियां करता रहता है। और कुछ समय के बाद किसी एक दिन राजा अम्मू को देखता है। अम्मू का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी सुरभि और वो उससे प्यार करने लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म के स्टार्टिंग में किडनैप होता है, तो बस वही किडनैप सीन यहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो राजा की लव स्टोरी के साथ ये किडनैप सीन कैसे कनेक्ट होता है और इसके अलावा उसी किडनैपिंग के साथ कई घटनाएं घटी हुई रहती है, वो सभी सब प्लॉट्स क्या है, वो सभी डिफरेंट कैरेक्टर्स कौन कौन है, उन सभी का इस फिल्म की स्टोरी के साथ क्या कनेक्शन है, ये सभी चीजें जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि मेरल पक्का गांधी, जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है, उन्होंने सभी कैरेक्टरों काफी अच्छे वे में हैंडल किया हुआ है। जिस तरह से डायरेक्टर ने फिल्म की स्टोरी को ऑन द पॉइंट आकर बताया हुआ है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया हुआ है, ना तो कोई कैरेक्टर को ज्यादा डेप्थ के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है। उन्होंने लिमिटेड स्क्रीन टाइम के साथ सभी कैरेक्टर को दिखाया हुआ है और जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते है और उसमें जो कॉमेडी वो क्रिएट करके हमें दिखाते है वो काफी हिलेरियस थी, वो आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग डिसेंट है और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो वो काफी बढ़िया है। फिल्म के गाने डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था। इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि सर्वानंद, जिन्होंने फिल्म के साथ अच्छा काम किया हुआ है, उन्होंने हर बार की तरह अपना परफॉर्मेंस एफर्टलेसली डिलीवर किया हुआ है। जिस तरह से उन्होंने लापरवाह लड़के वाला किरदार निभाया हुआ है, जो किसी की लड़की के प्यार में पड़ता है, वो उन्होंने परफेक्ट तरीके से निभाया हुआ है। और जहाँ भी उनके पास कॉमेडी पंच थे वहाँ पे उनकी कॉमिक टाइमिंग काफी परफेक्ट नजर आ रही थी और वो सभी पंच वो एफर्टलेसली डिलीवर करते हुए नजर आ रहे थे। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि सुरभि, वो इस फिल्म में काफी ब्यूटीफुल नजर आ रही थी और उनकी एक्टिंग भी उतनी ही बेहतर नजर आ रही थी। उन्होंने जिस तरह से अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया हुआ है वो अच्छा था। उर्वशी, जो फिल्म के सेकंड हाफ में हमें काफी एंटरटेन करती हुई नजर आती है, उनके साथ जितने भी कॉमेडी सीन फिल्माए गए वो काफी हिलेरियस थे, वो आपको हंसने में मजबूर कर देंगे। इसके अलावा कॉमेडी डिपार्टमेंट में बात करें तो सप्तगिरी और प्रभास सीनू, उन दोनों ने मिलकर जिस तरह से कैरेक्टर में जान लाई है वो काबिले तारीफ है। वो दोनों मिलकर फिल्म को एक अनदर लेवल पे ले जाते हैं। सप्तगिरी और प्रभास सीनू जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर पंच डिलीवर करते है और उस पंच में कॉमेडी टाइमिंग जो देखने को मिलती है वो काबिले तारीफ थी फिल्म में। इसके अलावा बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी जिस तरह से कॉमेडी में अपना अपना काम दिखाया हुआ है वो काबिले तारीफ है। फिल्म की कॉमेडी काफी रिफ्रेशिंग नजर आ रही थी, खास करके फिल्म की काफी बढ़िया डायलॉग डिलीवरी की वजह से फिल्म की कॉमेडी थोड़ी एक्स्ट्रा हमें हंसाने में कामयाब रहती है। फिल्म की राइटिंग की बात करें तो काफी बढ़िया तरीके से सभी डायलॉग को लिखा हुआ है। फिल्म के पंचेस काफी इफेक्टिव नजर आ रहे थे। सभी सब प्लॉट को, सभी कॉमेडी को डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ है। उन्होंने सभी चीज को काफी बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है और उन्होंने जिस तरह से फिल्म को हमें दिखाया हुआ है, जिस तरह से स्क्रीन प्ले चलाया हुआ है वो शानदार है। फिल्म के फर्स्ट हाफ की बात करें तो फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी डिसेंट पेस के साथ मूव होता है और फिल्म इंटरवल तक आते आते काफी बढ़िया पकड़ जमा लेती है। और उसके बाद जब फिल्म का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है वहाँ पे आपको कई सारे सस्पेंस, ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। फिल्म के हर एक सीन के साथ आपको कुछ ना कुछ हरकत होती हुई नजर आएगी और फिल्म का सेकंड हाफ इतना बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, कुल मिला के फिल्म का सेकंड हाफ है वो फिल्म के फर्स्ट हाफ पे काफी बढ़िया वे में भारी पड़ता है। फिल्म के सेकंड हाफ की कॉमेडी, फिल्म के सेकंड हाफ में आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स आपको जरूर फिल्म के साथ बनाए रखेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक बेहतरीन एंटरटेनर फिल्म है, लेकिन
कई लोग इस फिल्म में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि अगर आप लॉजिकली इस फिल्म को देखने बैठोगे तो आपको फिल्म के प्लॉट में कई लूप होल्स देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा फिल्म के जो सब प्लॉट्स है जिसको काफी फैंटास्टिक वे में क्रिएट किया हुआ है, लेकिन वो सब प्लॉट्स फिल्म की मेन थीम पे काफी भारी पड़ते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से फिल्म की जो मेन थीम थी वो थोड़ी धुंधली होती हुई नजर आती है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग इस फिल्म में लॉजिक ढूंढ रहे हैं उनको कुछ सीन्स अनरियलिस्टिक भी नजर आएंगे, क्योंकि फिल्म में अगर लॉजिक नहीं है तो अनरियलिस्टिक चीजें काफी ज्यादा वे में देखने को मिलेगी। और फिल्म की जो लव स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें सर्वानंद और सुरभि के बीच में जो लव स्टोरी क्रिएट करके डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश की हुई है, वो उतनी बेहतरीन तरीके से, वो स्मूथली तरीके से हमारे सामने पेश नहीं कर पाते। उस लव स्टोरी के साथ डायरेक्टर थोड़ा और बेटर कुछ कर सकते थे। तो मैं 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म एक्सप्रेस राजा को 7/10 की रेटिंग देता हूँ। ये एक परफेक्ट फैमिली कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है, बट ऑन अदर हैंड फिल्म में अगर आप लॉजिक ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप अपना दिमाग साइड में रखते हो और उसके बाद फिल्म आप देखने बैठते हो तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। तो बस गाइस, आज के रिव्यू में इतना ही। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने फिल्म देख ली है या फिल्म देखने वाले हो तो फिल्म देखने के बाद आपका ओपिनियन हमें जरूर शेयर करके बताइएगा। तो और भी ऐसे नए साउथ इंडियन मूवी के हिंदी रिव्यू के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।